किशनगढ़ बास में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दशहरा मैदान में आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बताया कि हरियाणा के नूह में कई घंटे तक दंगा होता रहा। दोनों समुदायों की तरफ से फायरिंग हुई, गाड़ियां जलाई गई, 5 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र पांडव कालीन प्राचीन ननहड़ मंदिर की धार्मिक यात्रा पर आतंकवादियों ने पथराव किया। तीर्थयात्रियों पर पथराव के साथ साथ हिंसा, आगजनी और फायरिंग की गई। इसमें सैकड़ों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और आगजनी की भेंट चढ़ गई है। 2 पुलिस के होमगार्ड की मौत हुई है। तीर्थयात्री और बजरंग दल के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसके विरोध में VHP और बजरंग दल ने इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। बजरंग दल प्रखंड किशनगढ़ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि सावन के इस पवित्र महीने में हिंदू आस्था को चोटिल करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने इस घटनाओं को विरोध करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कांवड़ यात्रियों पर हमले हो रहे हैं, वे इन सब घटनाओं का विरोध करते हैं। इस मौके पर प्रांतीय बजरंग दल संयोजक प्रेम सिंह राजावत, शहर संपर्क प्रमुख योगेश कोयल, जिला अध्यक्ष सतीश तंवर, जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी, जिला बजरंग दल संयोजक जय किशन, जिला बजरंग दल सह संयोजक दीपेश, बजरंग दल संयोजक प्रखंड किशनगढ़ वीरेंद्र चौधरी, बजरंग दल सह संयोजक विपिन राजपूत, प्रखंड किशनगढ़ के समस्त कार्यकर्ता, जिला भिवाड़ी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त प्रखंडों के उपस्थित रहे।